हेलो दोस्तों, आपका फिर से आज मेरे चैनल परपंच में स्वागत है। आज मैं शाम के नाश्ते के लिए ब्रेड रोल बना रही हूँ और बेसन के पकोड़े बना रही हूँ। इसमें मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं और इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज, 3 से 4 मिर्ची, और ये देखिए मेरे पास पिज़्ज़ा सीजनिंग थी, चिली फ्लिक्स था, ये पिज़्ज़ा चिली है, चिली फ्लेक्स ये डाला है, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, पेरी पेरी मसाला है और ऑरिगेनो है पिज़्ज़ा। ये सब हर्ब्स डाल दिए हैं, पीसी काली मिर्च डाली है और स्वाद अनुसार नमक डाला है और थोड़ी सी हींग। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, मैंने 3 से 4 ब्रेड की स्लाइस लिए हैं और हमारा ये भरता होके रेडी हो गया है। आप इसमें किसी भी साइज़ की ब्रेड ले सकते हो, चाहो तो आप पूरी बड़ी सी ब्रेड में आलू का भरता लगा करके कर सकते हो। मैंने इसको बीच से काट दिया क्योंकि मुझे छोटे छोटे अच्छे लगते हैं। अब मैं बताती हूँ इसको कैसे बनाते हैं, और ये जल्दी झटपट क्विक बनने वाला नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है बड़ों को भी और बच्चों को भी। हम ब्रेड को पानी में ऐसे रखेंगे, ऐसे दबा देंगे, ऐसे दबा देंगे, अच्छे से पानी निचुड़ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैंने अपने फ्रिज में अपने रोल्स एंड ब्रेड का प्रिपेयर करके पहले से रखा था, तो ये देखिए आप थोड़े चिल्ड हो गए हैं, तो मैं अब इनको डीप फ्राई करूँगी एक एक करके धीमी आंच में डाल दूँगी। ये वाह जी वाह। और मैं अपने बेसन के भी पकौड़ों को डीप फ्राई कर लूँगी। इस तरह से मैं इनमें डिप करूँगी बेसन को और इसमें ऐसे डाल दे। ये देखिए, मैं बेसन वाले पूरे ही बना लूँगी ऑलमोस्ट, जिससे कि मेरे हस्बैंड को प्याज के खाने हैं तो उनको मैं प्याज के दे सकूँ। ये देखिए, अब मेरे पास ब्रेड रोल भी फ्राई होने वाले हैं गोल्डन। अब मैं इनको निकाल लूँगी और भाई साहब, इतनी चिलचिलाती गर्मी में हम लेडीज़ नहा के निकले और किचन में आए कुकिंग करने, कुछ भी, फिर से हम लोग बाहर निकलेंगे नहाए धुले, कैसे, पसीने से, है ना एवरीवन। ये देखिए, ये बस अब मैं इनको छान, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, और इनको यकीन मानिए खा के देखें ब्रेड रोल बहुत टेस्टी लगते हैं। और मैं इनको खाऊंगी चटनी एंड मेयो के साथ, आपको प्लेटिंग करके अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे बेसन के आलू वाले पकोड़े बन रहे हैं एंड प्याज की बन रही है। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, मैं उन्हीं के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। हस्बैंड ने कहा श्रुति प्याज के ही बना दो जो बेसन बचे, मेरा बेसन बच रहा था तो मैंने उसमें प्याज हरी मिर्च काट के डाल दी, बस बन गए। और ये ब्रेड रोल बने रखे हैं, ये भी बचे रखे हैं और ये बन रहे हैं। ये देखिए, मेरे आलू के बन गए और अब मैं प्याज की सारी निकाल लूँगी पकौड़ियाँ, और इसके बाद बस वेट 2 मिनट्स, मैं प्लेटिंग करूँगी और आप लोग को दिखाऊँगी कि मेरी प्लेटिंग में कैसे क्या मैंने रखा है। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्लेटिंग लग गई है, हम तीनों की कोल्ड ड्रिंक एंड हम तीनों के पकौड़े एंड
सौंठ की चटनी खट्टी मीठी चटनी के साथ। मेरे हस्बैंड को मेयो नहीं पसंद है और बच्चे को भी हम लोग कम देते हैं, तो हम दोनों यही चटनी लेंगे, नहीं तो हमारा बेबी भी जिद करेगी। अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी हुई लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू ऑल फ्रेंड्स एंड बाय, कल फिर मिलेंगे।